टाइम साथ चलिएगा साथ चलिएगा इंशाल्लाह वहाँ से आपको दिला देंगे इधर बंगाली पाड़े में जो है ना पीछे उधर भी मिल जाती है अच्छी उधर प्राइस ज़्यादा अच्छी मिलेगी एज़ कम्पेयर टू वहाँ पे बिल्कुल जब आप फास्ट से बाहर आ जाए ना सीधा सीधा बाहर तो ये स्ट्रेट आप अपने होटल से बजाय हरम की तरफ जाने के बैक साइड पे चले जाए क्रॉस कहकर जी वो एरिया जो है पूरा बंगाली पाड़े का है वहाँ पे मिल जाती है आराम से हाँ जी बिल्कुल यहाँ पे कहाँ से खा रहे हो आप लोग कहाँ से खा रहे हो आप लोग खाना बताओ मुझे होटल में आप लोग के पैकेज में नहीं था ये सब अच्छा नहीं तो फिर वो जो पीछे की साइड पे आप वहाँ निकलेंगे ना बीच उन्होंने पेडेस्ट्रियन वे बनाई हुई है बड़ी दूर रोड क्रॉस करने के लिए आपको वो इजी आप जा सकते हैं वहाँ से मैं आपको बता दूंगा अभी यहाँ पे ये देखें राइट पे ये जो बिल्डिंग बन रही है यहाँ पे ठीक है ना ये पूरे हाजी आके यहाँ ठहराया करेंगे अच्छा जो उसमें हाजी आते हैं ना वो रोड आ रहा है ये मक्का से जद्दा से आ रहा है मेन रोड है ये हाईवे है ये हाईवे है यहाँ से और सीधा चले जाएंगे तो ये रियाद है पहले तसीम आएगा फिर रियाद आएगा और ये जो मीनार सामने नज़र आ रहे हैं ये कुबा के हैं जो तरीके हिजरा बनी हुई है ना पूरी इसको उन्होंने हत्तुल इमकान कोशिश की है कि उसी रूट पर बनाए जिस पर हिजरत फरमाई गई रस्ते में जो करिया हैं जो गांव हैं या जो शहर आए तो सब वो हिस्ट्री में अगर आप पढ़ें तो मिलते हैं इनके नाम सब और मदीना ये जो कुबा का एरिया था ये मदीना सिटी से बाहर होता था तो सिटी में एंटर होने से पहले हज़रत ने यहाँ पे पड़ाव इख्तियार किया था तो 10-15 दिन यहाँ पे रहे थे उस वक्त इस मस्जिद का क़याम फरमाया था और ये इस्लाम की पहली मस्जिद है बहुत से लोग समझते हैं कि वो मक्का में मस्जिद अलहराम है या मस्जिद अक़दस है नहीं उस वक्त उनको मस्जिद का दर्जा तो अख्तियार नहीं था ना वहाँ पे अजान या नमाज या प्रॉपर तो नहीं होती थी कुछ भी ये वो पहली मस्जिद है जहाँ प्रॉपर तरीके से अजान हुई नमाज हुई और सब चीज़ें हुई मस्जिद कुबा बोलते हैं और यहाँ पे जो है ना दो रकत नफिल पढ़ने से आपको एक उम्रे के बराबर का सवाब मिलता है जिस टाइम पे फतेह मक्का हुआ ना और वहाँ पे हुदूद हरम डिफाइन हो गई और उम्रा और हज की जो है फजीलियत आ गई ऑर्डर आए तो मदीना के लोगों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एहतजाज किया था या उनसे गिला किया था कि हमने सारा साथ हमने दिया मदीना वालों ने इस्लाम के फैलाव के लिए और सब चीज़ों के लिए और जब बेनिफिट की बात आई कोई इनाम की बात आई तो आपने अपने शहर को दिलवा दिया मक्का को बेनिफिट मिल गया उम्रे का और हज का जैसे तो वही होता है ना सारे मुनासिब वही हो रहे हैं तो उस वक्त फिर अल्लाह की तरफ से जो है ना एक वही आई जिसे बोलें कि एक कुरान की एक आयत है वो नाजिल हुई और उसमें ये बताया गया कि कह दो अपने लोगों से कि हमने उनके लिए जो है ना ये आसानी फरमाई है जो भी शख्स आकर दो रकम यहाँ पे नफिल अदा करेगा उसको एक उम्रे के बराबर का सवाब मिलेगा यहाँ भी हम अंदर जाएंगे तो यहाँ पे वो बोर्ड पे वो तख्ती पे वो लिखी हुई है आई थिंक सूरह निसा की आयत है या किसी की आयत है अभी देखते हैं चल के हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कहते हैं कि हर हफ्ते वाले दिन और पीर के दिन
کبھی پیدل کبھی سواری سفاری پہ جو ہے اس جگہ آئے تھے اور نماز پڑھا کرتے تھے. اور منافقین نے نا یہاں پہ ایک ایسی مسجد بنائی تھی اور ان کو بلا کر جو ہے اس میں شہید کرنے کا ان کو پلان تھا. اس مسجد کا نام ہے مسجد زرار تھا اس کا. تو ایسے بات ہے اللہ کے نبی تھے تو اللہ کو اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا تھا کہ بھئی یہ سچویشن ہے, تو وہ ان کو بلایا گیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دے کر کے باقاعدہ آپ آئیں افتتاح کے لیے. وہ خبر تھی ان کے پاس اس چیز کی, تو پھر انہوں نے مسجد کو یہاں پہ لا کر اس کو گرا دیا اور جو منافقین تھے ان کو قتل کر دیا تھا. تو یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اپنے یہاں تو دیکھیں پاکستان میں ہوتا ہے کہ کوئی جگہ قبضہ کرنی ہے تو سب سے پہلے وہ کہتے ہیں مسجد بنا دو اس جگہ پہ اور اس جگہ کو قبضہ کر لو, یہی چلتا ہے نا. اور پھر کہتے ہیں کہ بھئی وہ جہاں پہ مسجد بن گئی ایک دفعہ اس جگہ سے پھر آپ وہ شہید نہیں کر سکتے, ہاں تو فتوے لے آتے ہیں. تو میں آپ کو نا یہاں اتارتا ہوں قریب ترین جگہ پہ. پیچھے آپ لوگ اتارتا ہوں میرے ساتھ آنا ایک منٹ. اچھا آپ لوگ بیٹھے رہو پیچھے آرام سے, خواتین کو اتار رہا ہوں میں پہلے.